हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। आज के क्लास में एक और नया डिजाइन पैटर्न क्रिएट करेंगे और काम करेंगे ऑप्टिटेक सॉफ्टवेयर में। जिनके पास ऑप्टिटेक सॉफ्टवेयर नहीं है, पैटर्न मेकिंग का कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, आप उसी में ही काम करो, आप सिर्फ टेक्निक को फॉलो करोगे। और जिनके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, वो लोग भी काम करोगे मैनुअल टेक्निक पर, और मैनुअल के लिए भी टेक्निक सेम है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पैटर्न मेकिंग के रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो देखिए आज के क्लास में बनाने वाले हैं ये पैटर्न और इसकी ये स्कर्ट। और पिछले क्लास में जो बनाया था सेम पैटर्न, उसको दिखा देते हैं। देखो, ये था एक बेसिक सा स्कर्ट जो बिल्कुल स्ट्रेट है। इस जगह पे गौर करो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और आज का क्लास में जो बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा फ्लेयर ज़्यादा है, कुछ इस टाइप का आपका लुक्स आएगा। अब जब ये पैटर्न क्रिएट करोगे, कुछ दिखने में हल्का ए लाइन टाइप का आपका शेप दिखाई देगा। तो इसका टेक्निक बहुत ही सिंपल सा है, आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकली बना के। तो देखिए, ऑप्टिटेक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, उसके बाद जिनके पास ये पिछले वाला जो स्कर्ट पैटर्न बना हुआ है तो उसी पैटर्न को ही निकल लो, उसी पैटर्न से ही बनाओगे। अगर ये बेस पैटर्न अगर बनाना नहीं देखे तो पिछले क्लास में जाके ये बेस पैटर्न बनाना देख लो, उसके बाद फिर तरह तरह की जो डिज़ाइंस है इसी बेस पैटर्न से ही बनते आएगा। तो हर बार कहता हूँ, जो बेस पैटर्न को बनाओ और बेस पैटर्न को कॉपी करके फिर आप आगे जितना मर्जी चाहे आप डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन ये बेस पैटर्न इसको बिल्कुल सेफ रख देना, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं फटक से। आप बिल से भी कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी चाहे आप कर सकते हो। तो इसको कॉपी कर लिए, उसके बाद देखो इसको पहले ये लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद देखो इस जगह पे अच्छे से गौर से देखो, ये है साइड लाइन, तो यहीं से 5 सेंटीमीटर करके दोनों तरफ बढ़ा दिया गया, बैक और फ्रंट दोनों में ही। ये है फ्रंट और ये बैक, ठीक है। ये पे देखो 5-5 सेंटीमीटर करके बढ़ाने के बाद ये हल्का सा फ्लेयर आएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो इसके लिए देखो, पहले मूव टूल को यूज़ करके इसको 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, -5, ठीक है, इतना दूर बढ़ गया। और इसको भी बढ़ाएंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहीं पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले अनग्रेड करते हैं। अनग्रेड करने के बाद देखो यहीं पे एक थोड़ा सा आपको मेज़र डिफरेंट आपको मिलेगा। मेज़र डिफरेंट क्या है, यहीं पे देखो सेंटर लाइन पे कितना आ रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट पे है कितना 63 सेंटीमीटर का ये लेंथ आ रहा है, और साइड पे कितना 65 सेंटीमीटर, सेम फ्रंट पैनल पर भी है, ठीक है। ये क्यों हुआ है, 65 सेंटीमीटर साइड में और सेंटर पे 63 सेंटीमीटर। यहीं पे आप गौर करोगे तो इस बेस पैटर्न में तब आपको पता चलेगा, या फिर जो लोग बेस पैटर्न बना लिए तो उन लोगों को पता होगा। देखो इस पॉइंट पे, इस जगह पे देखो, सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ ही बैक और फ्रंट में भी सेम है, ये कितना 2 सेंटीमीटर माइनस किए थे। क्यों, ये स्कर्ट की जो फिटिंग होता है ये हल्का सा कर्व देने से, 2 सेंटीमीटर कर्व देने से ये बहुत ही बेहतरीन फिटिंग होता है। ये अगर स्ट्रेट कर दोगे तो ये बन तो जाएगा, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, और ये यहीं से 2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर का बेल्ट ऐड कर दोगे तो फिर ये बिल्कुल 65 सेंटीमीटर लेंथ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस जगह पे आपको कम करना है, कितना, जितना आपको सेंटर लाइन पे है उतना ही यहीं पे भी करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहीं पे एक पॉइंट लगा दो, कर्व ग्रेड देकर इसको करोगे 63 सेंटीमीटर, दोनों तरफ भी सेम कर देंगे, कितना 63 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहीं पे इस पॉइंट को कर दो आप डिलीट, चाहे तो इस पॉइंट पे अगर आप कर्व ना भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कर्व के जगह पे बिल्कुल आपको यहीं पे टिक लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सीधा लाइन है, यहीं पे कर्व ना भी दोगे तो चल जाएगा। तो फिर इस जगह को यहीं पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा कर्व देंगे, कर्व देने के लिए आपको मूव टूल से कुछ इस टाइप का आपको कर्व देना है दोनों में ही,
ठीक है। अगर कुछ लगे जो इसके बिल्कुल कर्व बिल्कुल एक जैसा नहीं हो रहा है, आपको अगर डाउट हो रहा है तो फिर इस पैटर्न को इसके ऊपर रखो। तो अब देखो यहीं पे हो सकता है इस पॉइंट को इसके ऊपर रखो या फिर इस पॉइंट को इसके ऊपर रखो, जैसे भी करके आपको रखना है, लेकिन दोनों एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर घुमा दो, घुमाने के बाद फिर इसको साइड कर दो। अब देखो ये जो बेस पैटर्न पहले बनाया था पिछले क्लास में, यहीं पे तो वही सेम आ रहा है। ठीक है, 63 सेंटीमीटर और यहीं पे 65 ही हो रहा है, लेकिन ये अगर मेज़र करोगे तो पता चलेगा। लेकिन यहीं पे ज़रूरी है लेकिन यहीं पे ज़रूरी नहीं है, ये क्यों? यहीं पे देखो, गौर से स्केच को देखो, ये हो रहा है हल्का सा फ्लेयर। अगर ये फ्लेयर ना होता तो फिर इस जगह पे आप जैसा आ रहा है बिल्कुल सीधा ऐसे रख दो, इस पॉइंट तक बिल्कुल आप सीधा कर दो, चल जाएगा। लेकिन जब आप इसको फ्लेयर बनाओगे, हल्का सा फ्लेयर ए लाइन टाइप का बनाओगे, तब आपको ज़रूरी है जो ये सेंटर लाइन से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, न कि उसके उससे ज़्यादा हो। ठीक है, ये जो लाइन यहीं पे जैसा 63 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 63 सेंटीमीटर के जगह अगर आप 62 या फिर 60 सेंटीमीटर करोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन 63 सेंटीमीटर के जगह 64 या फिर जैसा था 65 ये नहीं चलेगा। ये होगा तो प्रैक्टिकली आप अगर बना के देखोगे तो ये थोड़ा सा कोना लटक जाता है। ठीक है, यही डिफरेंट है। तो ये कंप्लीट हो गया, अब इसको डिलीट करते हैं। ये एक टेक्निक पे ये जो हल्का फ्लेयर है ये बन गया। अब देखो इससे भी ज़्यादा अगर चाहिए, जो ये लाइन और भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको चाहिए, तो फिर क्या करोगे? हो सकता है आप वही टेक्निक यूज़ करोगे, एम टूल से यानी मूव टूल से आप ऐसा करके बढ़ा दोगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, फिर इसको डिलीट कर दोगे इस पॉइंट को, तो फिर ये बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन बहुत ही गलत तरीका है ये, इस टाइप का अगर आप बनाने जाओगे तो। इसके लिए देखो आपको टेक्निकली जो दिखाते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बता दूँ उसी में ही आप काम करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई कोई ऐसा भी टेक्निक पे काम कर सकता है, मूव टूल से इसको थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे ये बढ़ाया था, बस उसके बाद फिर इसको डिलीट कर दो तो फिर ये बढ़ जाएगा। लेकिन ये गलत तरीका है, ये जितना हल्का सा बढ़ाने के लिए इस साइड से बहुत है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर बढ़ाना हो तो फिर देखो इस जगह पे ये है जो अभी बनाया। ठीक है, 5-5 सेंटीमीटर करके ये बढ़ाया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर चाहिए तो फिर यहीं पे देखो कुछ टेक्निक अलग ही टाइप का आ रहा है। यहीं पे क्या है, गौर से देखो, इस जगह पे जो डार्ट था 3-3 सेंटीमीटर का, दोनों तरफ जो डार्ट था, इस डार्ट को क्लोज करने के बाद यहीं पे जो मैनुअल करोगे तो फिर वही यहीं तक काट दो इस डार्ट तक, और फिर इस डार्ट को क्लोज करोगे तो ये अपने आप जितना ही खुलेगा उतना ही आपको रख के फिर आपको फ्रेश पेपर लेकर इसको बनाना है। और कैड पे करोगे तो वही इस डार्ट को क्लोज करोगे और ये जितना खुलेगा तो फिर ये अपने आप ही उतना ही फ्लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं प्रैक्टिकली। अब देखो उसके लिए क्या करना है, इस जगह पर आपको डार्ट टूल से पहले डार्ट को फिल करना है, दोनों डार्ट को ही फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेकेंड यहीं पर भी कर देते हैं, फिक्स करते हैं, मेक सेकेंड एज लॉन्गर। ठीक है, यहीं पे कर देंगे। अब देखो ये तो हो गया, अब यहीं से फिर डार्ट टूल को लेंगे। डार्ट टूल को लेने के बाद कुछ इस टाइप का जगह पे इसको रखेंगे और इसको उठा के इसको डार्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही करेंगे, यहीं पर रखेंगे और इसको करेंगे क्लोज। अब देखो इसकी फ्लेयर, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको करेंगे अनग्रेड और कर्व, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको करेंगे अनग्रेड और कर्व। ठीक है, अब देखो इसकी मेजरमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, 29.96 सेंटीमीटर, यहीं पर भी 29.96 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों का फ्लेयर बिल्कुल एक जैसा ही आ गया। ठीक है, अब देखो, अब चाहे तो इस डॉट को भी आप डिलीट कर सकते हैं ये दोनों तरफ, बस ये फ्लेयर बढ़ गया। तो ये बहुत सिंपल सा है, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, प्रैक्टिकली बना के देखो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा जो ये किस टाइप का
आपको लुक्स आता है। ठीक है, तो फिर आज का क्लास बहुत ही सिंपल सा था और बहुत ही छोटा क्लास था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आज का क्लास इतना ही है। ये टेक्निक अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक नया डिज़ाइन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।